कर्नाटक में जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया, उसको लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति चरम सीमा पर पहुंच रही है। अब लोग कर्नाटक सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं थाने के तलावपाली पे, और आपको बता दें कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक है, और यहाँ पे आज राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने छत्रपति महाराज का दूधों से स्नान करा के रुद्राभिषेक किया। उसके बाद लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, और राष्ट्रवादी ने आज बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी का अपमान होगा तो राष्ट्रवादी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज का दूध से स्नान कराकर राज्याभिषेक किया जा रहा है। और ज्ञात हो कि कर्नाटक के बेंगलोर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति के अपमान का वीडियो शुक्रवार रात वायरल हो गया, जिस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई ने चौंकाने वाला बयान दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान एक मामूली मामला है, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बुम्बई के फोटो पर चप्पलों का प्रहार किया। कर्नाटक के अंदर जो हादसा हुआ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, मैं सभी उन लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे सर के ताज से बढ़कर है। अगर तुम उनके बारे में थोड़ी भी बेइज्जती करोगे तो याद रखना हम यहाँ पर किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए दिन भी है, हमारे लिए रात भी है, और ये हमारे महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों ने उनसे प्रेरणा ली है कि इनजस्टिस के खिलाफ किस तरह खड़ा होना है। और ये हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी ने उन लोगों को ये पैगाम ये मैसेज दिया है कि कश्ती नहीं देखा, लंगर नहीं देखा, निकले हैं हम तो हमने समंदर नहीं देखा। तू इतना जो ताकत पर इतराने लगा है, अभी तूने हमारा राष्ट्रवादी का लश्कर नहीं देखा। तो आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इशारों में कह दिया है कि बीजेपी सरकार को कहीं अब सत्य का घमंड तो नहीं, जो राष्ट्रवाद इस तरह से छत्रपति शिवाजी का अपमान खुलेआम कर रहे हैं, और वहां के मंत्री कुछ भी बक दे रहे हैं। प्रेशर आने के बाद मंत्री ने इस बात को माना है कि छत्रपति शिवाजी का अपमान किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बात पे बीजेपी के आला कमान सामूहिक लोगों से माफ़ी मांगेंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी संदीप पालवी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज़ थाने। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का।